लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वनराज की आंखों में से धुआं निकल रहा है. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लिमिटेशंस. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? लिमिटेशंस. हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब कह रहे आप वो चीजें एनालाइज कर रहे हो जो पास्ट में हो चुकी है. मतलब आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो वो फ्यूचर की हैं या जो इवेंट्स हो चुके हैं उसकी है? बोलो. पास्ट की है. पास्ट की मतलब पिछले साल जो परफॉर्मेंस रही वही तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट तो पूरे पिछले साल की इंफॉर्मेशन मुझे शो करेगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ हिस्टोरिकल एनालिसिस. इट एनालाइज व्हाट हैज हैपेंड टिल डेट. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर. वो तो पास्ट की हमारी परफॉर्मेंस एनालाइज कर रही है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा तो फिर ये सिचुएशन रही तो आगे ऐसा ही कुछ होगा. वो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बट जो एनालिसिस हो रहा है वो तो ये बता रहा है कि पिछले साल अभी एज ऑन डेट हमारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही. पर्सन लाइक शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लाइकली पोजिशन इन फ्यूचर. कह रहे आगे क्या होगा, कह रहे वो आप अपने आप एस्टिमेट करो. हम आपको पिछले साल पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आगे अपना दिमाग खुद लगाइए. फ्यूचर थोड़ी ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हिस्टोरिकल एनालिसिस इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी थी. इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इन्फ्लेशन. इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. अगर आपने कोई मशीन 50 करोड़ की ली थी तो 50 करोड़ की रहेगी, मार्केट में क्या रेट है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक सिस्टमैटिक रेट पे डेप्रिशिएट होती रहेगी. तो मनी इज अज्यूम टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू, बट मनी की तो स्टैटिक वैल्यू नहीं होती. तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है. इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. कह रहे प्राइस लेवल, इट चेंजेस एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर इनवर्सली रिलेटेड. अ चेंज इन द प्राइस लेवल मेक्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स इनवैलिड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. Because the accounting records ignore the change in the value of money. Monetary value change होती जा रही है. Monetary value change होती जा रही है. कह रहे आप price level changes तो consider कर नहीं रहे. अब 15 साल पहले किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और आज की रेट में किसी ने 110 करोड़ कमाए, तो 110 तो 100 से ज्यादा है, लेकिन क्या 110 की वैल्यू 10 साल पहले किस 100 करोड़ से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी. आज के 110 की करोड़ की वैल्यू 10 साल पहले, चलो 100 करोड़ की बात करता हूं पहले, तो सिर्फ आज की रेट में जो 100 करोड़ है उसकी वैल्यू ज्यादा है या जो 10 साल पहले 100 करोड़ रुपए थे उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा रही होगी? सर पहले की. अभी आपने बोला था कि आज की. ये समझ आया ना कि ओवर द इयर्स तो पैसे की परचेजिंग पावर गिरती रहती है. कोई चीज तब 100 करोड़ की थी, आज की डेट में तो हो सकता है वो 300 करोड़ की हो चुकी हो. तो आज अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हो तो आप नुकसान में हो. 10 साल पहले 100 करोड़ कमाए, आज 100 करोड़ कमाए, वो सेम नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में तो वो सेम ही माने जा रहे हैं क्योंकि इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. तो कह रहे फिर तो ट्रू कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा. तो कुछ कुछ लोगों ने इन्फ्लेशन को कंसिडर करना शुरू कर दिया है. कुछ कुछ एनालिसिस में आगे जाके हम कॉलेजेस में सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कैसे कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग में नहीं किया जाता. उसकी वजह से बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि फेयर कंपैरिजन नहीं होता. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड. अकाउंटिंग में ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजेक्शन विच कैनॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इट कैनॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इट इज इग्नोर्ड. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड. एनालिसिस इट सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बाकी लिमिटेशंस, इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेंस analysis suffers from all such limitations from which financial statements suffer. Therefore, unless the basic data
is reliable, the conclusiveness derived on the basis of analysis cannot be reliable. कह रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आपकी रिलायबल नहीं थी, उनमें अगर कोई गलती हो गई थी तो आपका एनालिसिस भी गलत ही होगा. तो एनालिसिस विल सफर फ्रॉम ऑल दोज लिमिटेशंस व्हिच वर देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई शॉर्टकमिंग्स थी ना, वो सारी शॉर्टकमिंग्स आपकी एनालिसिस में भी आ जाएगी. नॉट फ्री फ्रॉम बायस. बायस पर्सनल बायस. बायस का मतलब होता है कि अपनी एडवांटेज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. तो कह रहे एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस. मतलब कि बायसनेस हो सकती है. हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड करी जा रही है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. विंडो ड्रेसिंग करी जा सकती है. आएगा वो पॉइंट भी अलग, बट नॉट फ्री फ्रॉम बायस मतलब अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है. इन मेनी सिचुएशंस द अकाउंटेंट हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. अब जैसे होता है ना कि कंसिस्टेंसी की मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन या WDV, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है LIFO या FIFO. तो वहां पे उनकी मर्जी है ना कि कौन सा चूज करें, जो उनको सूटेबल होगा वो चूज करेंगे. तो बायसनेस पॉसिबल है. सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अब आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंटर फर्म कंपेरिजन कर रहे हैं. किसी ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगा रखे थे, कुछ प्रैक्टिसेस, किसी ने कुछ और, तो उनका कंपैरिजन तो पॉसिबल था ही नहीं. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के थोड़ी ना पता चलेगा किसने कौन से मेथड्स फॉलो कर रहे थे. तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो शॉर्टकमिंग हो सकती है. बट सर रूल्स तो सबके लिए सेम ही होते होंगे. कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. तो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो किसी ने कुछ और मेथड अप्लाई किया होता, आप उसको कंपेयर कर रहे हो उसके साथ, तो कंपैरिजन रिलायबल नहीं होगा. For inter-firm comparison, it is necessary that accounting practices followed by the firms do not vary significantly, as there may be variations in accounting practices followed by different firms. A meaningful comparison of their financial statements is not possible. अगर वो different accounting practices follow कर रहे हैं तो limitation में next है window dressing. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी पिक्चर शो करना जो एक्चुअल से बेटर है. हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर डिस्प्ले पे जो लगे होते हैं वो उनके बेस्ट होते हैं. तो हमें लगता है कि वाह क्या आइटम है, अंदर सब कुछ ऐसा ही कुछ होगा, मिलता नहीं है ज्यादा कुछ ढूंढने पे, मेजॉरिटी उससे नीचे ही होता है. विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ बेटर फाइनेंशियल पोजिशन then what it actually is by manipulating the books of accounts. On account of such a situation, financial analysis may give false information to the users. Identifies symptoms. The financial analysis identifies symptoms of the problems but does not offer the diagnosis. Wo treatment nahi bata rahi. ये तो बता देगी कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, बट ट्रीटमेंट नहीं बताएगी. सिम्टम्स आइडेंटिफाई करेगी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, करेक्टिव मेजर क्या है वो नहीं बता. बस कह रहे कि भाई आपने बस टेस्ट लिया है, आपने टेस्ट दिया, आपके क्या नंबर आए हैं वो अभी इतना हुआ है, करना क्या है आगे वो नहीं बता रही वो चीज. द मैनेजमेंट हैज टू लुक फॉर द रेमेडीज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स. कह रहे ये तो बस आपकी रिपोर्ट आ गई है, आगे क्या करना है वो तो पिक्चर अभी बाकी है. क्या था ये? लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस.